हेलो स्टूडेंट्स क्या हाल चल है जी आप लोगों के आई होप तो सब बढ़िया होंगे आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ आई सी आई ऑप्ट आउट स्कीम की जो अनाउंसमेंट आई थी आईसीआई की आई होप सब ने वो अनाउंसमेंट पढ़ ली होगी वो स्कीम को देख लिया होगा उसके बाद मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आने लगे बच्चों के कि सर अब हम क्या करें अब इंस्टीट्यूट ने और हमें कन्फ्यूज कर दिया है कि हम अपने अटैम्प्ट ऑप्ट आउट कर दें या फिर हम एग्जाम देने जाएं देखिए सर था था, हर चीज के ना नेगेटिव अगर आप ढूंढने लगोगे तो नेगेटिव बहुत मिल जाएंगे आपको हम हमारी गलती क्या होती है बच्चों की या किसी की भी ले लो हम लोगों की गलती क्या होती है हम किसी चीज का पॉजिटिव नहीं ढूंढते हम हर चीज का नेगेटिव ढूंढते हैं देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड है और ऑटेल आप लोगों को पता है तो हर चीज का नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव होगा बजाय इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करने के लिए कि अभी कई सारे बच्चे इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सर गालियां दे रहे हैं कि ये क्या कर दिया इंस्टीट्यूट ने हमें और कंफ्यूज कर दिया ऐसा नहीं है देखिए अगर आप इंस्टीट्यूट की जगह पर होते ना आपके साथ भी ये ये सिचुएशन आती कि डिसीजन लेना डिसीजन लेना लेना कितना टफ टफ है इज वेरी सर इंस्टीट्यूट को तो ये करना पड़ा इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर आपको छोड़ दिया कि भैया अगर तुम्हें पेपर देने हैं तो दे दो नहीं देने तो मत दो इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा आपकी क्या हेल्प कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी ये हेल्प कर रही है कि भैया अगर आप ऑप्ट आउट कर दोगे तो आपका ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा वो कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी ना बोल रही है कि पेपर देने आओ वो कह रहे हैं मर्जी है मर आपकी पेपर देने दो नहीं देने मत दो अगर आपके यहां पर सिचुएशन ठीक है तो पेपर देने चले जाओ अगर आपके यहां पर सिचुएशन खराब है तो पेपर देने मत जाओ उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया आपको ऑप्शन दे दिया तो मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चा इंस्टीट्यूट को नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं देखिए आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट है मुझे इतना अजीब सा लगता है कि बच्चे सीरियसली बच्चे गालियां दे देते हैं गंदी गंदी गालियां अच्छी बात नहीं है आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो आप कोई राह चलते बच्चे नहीं हो आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो तो मेंटेन मेंटेन द डेकोरम डेकोरम एक decorum को करके रखो ठीक है जी डिसीजन हाँ, कैसे लिया जाए मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ये टफ है कि सर कैसे सोचे मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊं कि कैसे डिसीजन लिया जाए और स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं बच्चे अगर आप इंस्टीट्यूट को गालियां दोगे आपके लिए अच्छा नहीं होगा जो इंस्टीट्यूट आपको डिग्री देगा जो इंस्टीट्यूट आपको सीए बनने का सर्टिफिकेट देगा जो आपका उनकी बातों में मत आइए अच्छे बच्चे बनिए अच्छे लोग बनिए आगे बहुत जाना है ये सब छोटी छोटी चीजों में नहीं पढ़ना लाइफ में बहुत ऊपर जाना है बच्चे ठीक है जी चलो अब बात आती है कि सर हम समझ सोच नहीं पा रहे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम ये ऑप्ट आउट स्कीम को ले लें मतलब अपना अटेम्प्टेफर कर दें या फिर हम पेपर देने जाए देखो सबसे पहली चीज तो याद रखना हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी सेहत आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है देखिए सेहत अच्छी होगी तो लाइफ में कुछ आगे कर जाओगे अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते एग्जाम तो हर छह महीने में होते हैं एग्जाम हर छह महीने में होते हैं तो एग्जाम तो फिर दोबारा आ जाएंगे लेकिन अगर हेल्थ का नुकसान हो गया तो सर फिर दोबारा रिकवरी होना टफ हो जाएगा और एग्जाम ये कोई सिंगल डे का एग्जाम नहीं है ये चलते रहेंगे ये पंद्रह बीस दिन चलते हैं एग्जाम तो सर इतना बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से लेना थोड़ा सा टफ है और पहली चीज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपको ये लगे कि सर आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो मेरा पर्सनल ओपिनियन है अगर आपको पसंद आता है तो उसे सुन लीजिए उसे ऑप्ट कर दिया नहीं पसंद आता तो सर इस वीडियो को मैं हाथ जोड़ रहा हूं इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो आप अगर समझ में आता है ओपिनियन सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे देखना नहीं तो सर मुझे कोई जरूरत नहीं है आप लोग जा सकते हो ठीक है जी डिसीजन आप लोग को होगा मैं एज अ फैकल्टी आपको सजेशन दे सकता हूं आपकी मदद कर सकता हूं डिसाइड आप लोगों को करना है अच्छा सीए कोर्स में तीन लेवल्स हैं फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों लेवल में डिसीजन करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा कैसे मैं एक एक करके उठाऊंगा सबसे पहले अगर मैं फाउंडेशन के बच्चों से बात करूं सीए फाउंडेशन के बच्चों से बात करूं तो सर आप लोग अभी ना छोटे हो आपकी एज थोड़ी अभी कम है आपके अंदर टफ सिचुएशन को झेलने की अभी इतनी ताकत नहीं है क्योंकि अभी तो आपने सीए कोर्स को एंटर किया है और आप लोग अभी छोटे हो तो सर मैं ये कि चाहूंगा कि आप अपनी हेल्थ को रिस्क में मत डालो आप अपनी हेल्थ को रिस्क में मत डालो क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी फैमिली की भी हेल्थ कनेक्टेड है ठीक है तो हेल्थ को रिस्क में ना डालते हुए आपको जरा सा भी रिस्क अगर लगता है तो सर एग्जाम को शिफ्ट कर जो आउट स्कीम को ले लो नवंबर में चले जाओ हाँ अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो इफ यू आर हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता मेरा इम्यून सिस्टम बिल्कुल अच्छा है मेरा सराउंडिंग मेरी बिल्कुल अच्छी है मेरे फैमिली में भी सबका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो सर आप लोग जाइए एग्जाम देके आइए कोई दिक्कत नहीं दूसरा इंटरमीडिएट स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट में ना दो ग्रुप्स होते हैं हर ग्रुप में चार चार पेपर होते हैं तो जिन्होंने अभी सिंगल ग्रुप के एग्जाम देने हैं इन द जुलाई तो आप लोग बड़ी ध्यान से डिसीजन लेना जिनको अगर आपको सिंगल ग्रुप के एग्जाम देने हैं इन द जुलाई तो आप जुलाई वाले एग्जाम को ना देकर आप नवंबर में शिफ्ट हो जाओ और गो फॉर बोथ ग्रुप्स मैं आपका टाइम नहीं खराब करूंगा गो फॉर बोथ ग्रुप्स बोथ ग्रुप्स की तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो और जाके एग्जाम दो अब बच्चे आएंगे सर मेरा तो एक ग्रुप क्लियर है अब मैं क्या करूं देखो अगर आपका एक ग्रुप क्लियर है अगेन वही चीज आती है अगर आपको लगता है कि सारी चीज ठीक है अगर आप रिस्क ले सकते हो इम्यून सिस्टम ठीक है तो जाइए वो पेपर दे आइए अगर आपको जरा सा भी रिस्क लगता है तो मत जाइए क्योंकि हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके बाद जिन्होंने बोध ग्रुप्स के लिए ट्राई करना था इसी अटेम्प्ट में जुलाई में जो बोध ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तो सर बोध ग्रुप्स की तैयारी कर पाना आप लोगों को अच्छे से पता है कि बोध ग्रुप्स की तैयारी कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है आठ पेपर है अपहार जैसे पेपर हैं तो एक अटेम्प्ट को अगर आप कुछ महीने और रुक जाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है उसमें कोई भी बुराई नहीं है आप अगले अटेम्प्ट में जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि एंड लेवल तक भी तैयारी पूरी नहीं हो पाती तो और अच्छे से आपके पास तो टाइम है और अच्छे से तैयारी कीजिए और गो फॉर बोथ ग्रुप्स इन नवंबर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं सीरियसली कह रहा हूं मैं अपने चैनल पर खुला बोल रहा हूं <coughs> अगर आप नहीं दोगे पेपर तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जुलाई और अगस्त में अगस्त के महीने में मैं आप लोगों के मॉक टेस्ट लूंगा मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप मुझे कॉल कर करके मुझे बार बार मैसेज कर देना कि सर मॉक 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 टेस्ट 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 लो लो मैं खुद बना के आपको तीन घंटे का मॉक टेस्ट दूंगा जो आप घर पे बैठ के दोगे ठीक है जी चीज मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं उसके बाद फाइनल लेवल का अगर बच्चा है तो देखो फाइनल लेवल में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाता है तो फाइनल लेवल को बच्चों को थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा अगेन अगर वो सिंगल ग्रुप के लिए तैयारी करने के जा रहे थे पेपर देने तो छोड़ दो नवंबर में जाओ बोध ग्रुप्स की तैयारी करके जाओ और अगर आप बोध ग्रुप्स के लिए जा रहे थे तो सर अब आपको डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा अगेन सब कुछ अगर आपको ठीक लगता है इफ़ यू आर हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस इफ यूर सिस्टम इज स्ट्रॉग एरिया ठीक है फैमिली ठीक है तो जाइए पेपर देने अदरवाइज मत जाइए दो तीन महीने की बात है फिर दोबारा दे देना ठीक है जी अब बच्चों के मैसेजेस भी आएंगे मेरे पास मुझे पता है कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो क्या आप क्यों कंपेल कर रहे हो हमें छोड़ने से मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा मैंने पहले ही बोल दिया डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि ये मेरा ओपिनियन है डिसीजन आपका है मैं आपको गाइड कर सकता हूं डिसीजन आप लोगों का लेना है आप मेरे को उल्टा सीधा बोल लोगे सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से मैं आपको कंपेल बिल्कुल नहीं कर रहा मैं अपना डिसीजन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं डिसीजन अगेन आप लोगों का है स्टूडेंट ऑफेंड हो जाएंगे जरूर हो जाएंगे तो सर ऑफेंड होने से कुछ नहीं होगा सोच समझ के माइंड लगा के डिसीजन लीजिए अब कुछ बच्चों के ये भी मैसेज आ सकता है सर आप कह रहे हो कि नवंबर में दो नवम्बर में दो क्या श्योरिटी है कि नवंबर में सब कुछ ठीक हो जाएगा देखो मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता हाँ मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है वैक्सीन की ट्राई कर रही है इतनी खराब नहीं होगी सिचुएशन वहां तक सिचुएशन जाके थोड़ी सी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कोविड कोरोना वायरस पूरा खत्म हो जाएगा पूरा खत्म नहीं होगा सिचुएशन थोड़ी लाइट जरूर हो जाएगी वहां उस टाइम पे हम थोड़ा सा रिस्क अपने साथ जरूर ले सकते हैं लेकिन इस टाइम पे रिस्क लेना लेना टफ टफ हो हो जाएगा हो जाएगा ठीक है जी तो सोच समझ के डिसीजन मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकता आपको कि बाद में एग्जाम होंगे या नहीं होंगे वो देखो गवर्नमेंट पे छोड़ दो वो तब की तब देखी जाएगी लेकिन अभी के लिए आपको डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले ही बोल दिया है कि सत्रह जून से लेकर बीस जून तक ये अपना विंडो खुली हुई है फॉर ऑप्ट आउट स्कीम वैसे मेरे हिसाब से यहां मैं इंस्टीट्यूट के साथ नहीं हूं इंस्टीट्यूट को और टाइम देना चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आज बच्चे को लगे कि सब कुछ ठीक है लेकिन बाद में बच्चे को लगे कि नहीं यार खराब है सिचुएशन वो ऑप्ट आउट करना चाहता है तो, तो मे बी इंस्टीट्यूट दोबारा खोल दे विंडो वैसे खोलेगा जरूर क्योंकि होगा जरूर क्योंकि ये अभी टाइम थोड़ा सा कम है इनिशियली इंस्टीट्यूट ने तीन दिन का अलाउ किया है लेकिन बाद में भी वो जरूर खोल देगा एक चीज बड़ी ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑप्ट आउट स्कीम को ले लिया उसके बाद आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते ये इंस्टीट्यूट ने साफ साफ अपनी अनाउंसमेंट में बोला है है कि इफ द द द पर्सन सिलेक्टेड स्कीम डिसीजन कैन नॉट बी विदड्रॉ वो डिसीजन फिर वो विद्रॉ नहीं हो सकता तो अगेन सोच समझ के आप लोगों को डिसीजन लेना है ठीक है जी बताइए चलिए फिर तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा बच्चे हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है हेल्थ ठीक होगी तो आगे कुछ कर पाओगे अगर हेल्थ खराब होगी तो सर कुछ भी नहीं होगा ठीक है जी बच्चे कहेंगे सर हमारा टाइम खराब होता जा रहा है अरे हेल्थ खराब होगी तो क्या कर लोगे कुछ महीने अगर खराब हो भी गए तो क्या हो गया पूरी कंट्री के महीने खराब हो रहे सर आप लोग तो बच्चे हो उन बिजनेस मैन से पूछो जिनके बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुके हैं जिनके बिजनेस ही नहीं रहे उनसे पूछो उनके मन पे क्या गुजर रही है तो 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 सर आप तो बच्चों आपके तो पढ़ाई में कुछ महीने जा रहे हैं लेकिन जो जो बिजनेसमैन रोजी रोटी कमाता था मैं क्या क्या इस चीज़ ठीक तो तो है, है, जी? Again, आप का है लेकिन में सारे पहलू को लेकर डिसीजन लेना अपनी फैमिली की तरफ देखकर अपने एरिया की तरफ देखकर अपनी हेल्थ की तरफ देखकर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सोच समझ के डिसीजन लेना गलती से किसी गलत डिसीजन में मत फंस जाना ठीक है जी चलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा वो तीनों लेवल के हैं फाउंडेशन का अलग है इंटरमीडिएट का अलग है और फाइनल लेवल का अलग है तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना वहां पर मैं लेटेस्ट लेटेस्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देता रहता हूँ तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ठीक है जी चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच स्टे ब्लेस्ड स्टे बाय बाय